आज दक्षिण में कुछ लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, उन्हीं में से बात करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है, मैं दिलगुट में रहता हूँ, दक्षिण निवासी। मैं प्रोजेक्ट इफेक्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सर, पहला तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने आरआर प्लान में ये दिया हुआ था कि जो भी प्रोजेक्ट इफेक्टिव फैमिली से बिलोंग करता है, पहले हम उसको स्किल्ड करेंगे, स्किल्ड करने के बाद हम उसको प्रोजेक्ट में लगाएंगे, आज तक ये काम आप 5 साल 6 साल बीत गए, आज तक आपने ये काम क्यों नहीं किया? दूसरी बात ये सर कि मेरी लैंड जा रही है, मेरा लाइवलीहुड जा रहा है, फिर भी आज तक उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट में नहीं लगाया। सर, ये तो 5 साल से मैं धक्के खा रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके, JEP के पास जाके, ये तो 5-6 सालों से मैं ये धक्के खा रहा हूँ, तो आम आदमी का क्या होगा ये तो आपको मालूम ही होगा फिर। सर, तीसरी बात यह, आज तक जितनी भी चाहे जो कोई भी लगा, प्रोजेक्ट इफेक्टिव फैमिली से नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं पहुंची, ना कोई इंटरव्यूज हुए, ना कुछ, जिन किसी को भी लगाया गया हम उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन सर एक्चुअल में जो जेन्युइन है, जो प्रोजेक्ट इफेक्टिव फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको एक भी बंदे को नहीं लगाया गया। मेरे घर से ले लो या फिर बड़े बंदे ऐसे भी मुझे मिले जो कि प्रोजेक्ट इफेक्टिव फैमिली से हैं, उनको नहीं लगाया गया। कारण क्या है हम इस कारण को आज तक समझ नहीं पाए, क्यों हमें बार बार निकाल दिया जाता है कंपनी से, ये भी हमें आज तक पता नहीं चला। सर, हमारी यही मांग है, जब तक ना हमें कंपनी में हमारे जितने भी लोकल युवा हैं, जब तक ना उनको वहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा, जब तक ना उनको वहाँ पे जॉब मिलेगी, जब तक ना उनको यहाँ पे एक स्किल्ड कॉलेज, चाहे वो ITI हो या फिर कोई भी स्किल्ड कॉलेज, यहाँ पे देकर उनको स्किल्ड किया जाए और उनको बाद में वहाँ पे लगाया जाए। क्यों हमारा युवा, जो यहाँ का युवा है, वो मजदूरी पे ही क्यों टिकेगा? क्यों नहीं वो स्किल्ड लेबर के तौर पे वहाँ पे जाएगा? क्यों वो बेचारा वहाँ पे एज ए वेटर ही काम करेगा? वो ऐसा उनको स्किल्ड करके वो एक स्किल्ड लेबर की तरह क्यों नहीं जाएगा? सर, हमारी मांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन LG साहब से यही है, जब तक ना वो इन सब बातों पे ध्यान देंगे, गौर करेंगे, तब तक हम यहाँ से ना उठने वाले हैं, चाहे हमारी जान क्यों नहीं चले जाएगी।